नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन MK पर। तो आज इस वीडियो में हम PGI चंडीगढ़ के रिगार्डिंग एक नया इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आपके कुछ वो आपको बताते हैं, जैसे कि आपके MSc नर्सिंग के एडमिशन्स के रिगार्डिंग, BSc नर्सिंग के आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे, और आपके जो PhD कोर्सेज है उसकी काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी एक नया नोटिस है। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको सारे जो इंपॉर्टेंट अपडेट आए एडमिशन्स के रिगार्डिंग उसके बारे में सारी जानकारी देते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोज़ और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं सारी जानकारियाँ। तो सबसे पहले हम बात करें PhD के एडमिशन्स के रिगार्डिंग। तो PhD कोर्सेज में जिन स्टूडेंट ने एडमिशन दिया है और एंट्रेंस एग्ज़ाम दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी उनकी जो MSc की डिग्री है उसका रिजल्ट नहीं आया और अभी तक अपलोड नहीं किया, तो उसके लिए एक नया नोटिस आया कि 31 जुलाई तक आप अपनी जो MSc की डिग्री है, सर्टिफिकेट है, वो अपलोड कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद। तो ये नोटिस में दे रखा है। दूसरा नोटिस है आपका MSc नर्सिंग की काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो MSc नर्सिंग की जो सेकेंड काउंसलिंग है आपकी, वो आपकी 26 जुलाई को होगी। तो वो नोटिस भी हम एक बार देख लेते हैं। तो ये नोटिस ओपन कर लेते हैं एक बार हम, और आपको बताते हैं क्या डिटेल्स है इसमें। तो सेकंड जो फिजिकल काउंसलिंग आपकी MSc नर्सिंग कोर्स के लिए, वो 26 जुलाई को 12 बजे होगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन PGMR चंडीगढ़। तो आपकी 26 जुलाई को MSc नर्सिंग की सेकंड फिजिकल काउंसलिंग होगी, जिसमें जनरल की 2 सीटें वैकेंट है, OBC कैटेगरी की 1 सीट वैकेंट है। तो जो भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको 11:45 पे पहुंचना होगा। 26 जुलाई को आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन है, वहाँ पे आपको पहुंचना होगा 26 जुलाई को। 3 सीटें वैकेंट है MSc नर्सिंग की, और COVID-19 की जितनी भी प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें आपको फॉलो करना होगा। अब हम बात करें अगर BSc नर्सिंग के एडमिट कार्ड के बारे में, तो BSc नर्सिंग का एडमिट कार्ड आपका 1 या 2 दिनों में रिलीज हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि प्रोस्पेक्टस में इंफॉर्मेशन दे रखी थी कि आपका मिनिमम 7 डेज पहले आपकी जो एडमिट कार्ड वो रिलीज हो जाएगी। तो 31 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, 9 बजे से 10:30 बजे के बीच आपका 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो उसके एडमिट कार्ड कल रिलीज़ हो सकते हैं, कल या परसों 1 या 2 दिन में उसके रिगार्डिंग अपडेट आ जाएगा। अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है इसके रिगार्डिंग, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी इसके रिगार्डिंग हम आपको बता देंगे। तो कल या परसों आपका एडमिट कार्ड है जो BSc नर्सिंग कोर्स के लिए वो आ जाएगा। तो जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज़ होता है हम आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर देंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग या PG चंडीगढ़ के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन, या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज़ होंगे हम आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे। तो ये सब जानकारी थी आपके लिए इस वीडियो में, और अगली वीडियो में आपको हम बता देंगे जो एग्ज़ाम डे की रिगार्डिंग आपकी गाइडलाइंस है COVID-19 की, और कौन सी चीज़ें आपको लेके जानी है, आपको एडमिट कार्ड पे फोटो पेस्ट करनी है नहीं करनी, सारी जानकारियाँ अगली जो वीडियो कल आपकी आएगी उस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो तब तक के लिए बस यही सब जानकारी थी आपके लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।